मतलब काम करने का स्पीड देखो, कोई उधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई नीचे कमानी लगा रहा है, मतलब एक गाड़ी बनाने में 3-4 लोग लगे ही रहते हैं। तो भाई मेरा बत्ता भी चेंज होगा, तो इसलिए बत्ता कब उतार लिया गया, तो क्या कर रहे हैं बताइए फैज भाई, चेंज करवाएं कि इसी को कुछ बना देंगे, जैसा बोलिए चेंज कर दे करेंगे। लोग इंजन रेडी कर दिए भाई, का चीज का इंजन, ट्रक का आएगा, 12 चक्का का है। अभी इसको साफ किया जा रहा है रगड़ रगड़ के मशीन से। ये देखो लगाया जा रहा है कमानी पट्टा यहाँ पे। अपने गाड़ी का पेंटिंग का काम जो था वो भी स्टार्ट हो ही चुका है। तो स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। आप लोगों को पता ही है कि हम वेस्ट बंगाल रानीगंज में रुके हुए हैं, अपने गाड़ी का चल रहा है यहाँ पे काम। तो काम हो चुका है स्टार्ट, दिखाते हैं कि क्या क्या काम करवा रहे हैं। बगल में एक गाड़ी है नया तैयार हो रहा है, ये है भाई मैक्स पिकअप, और हमारे इसके बगल में हमारा गाड़ी लगा हुआ है, हमारे गाड़ी का भी काम चल रहा है। बैटरी का तार खोलने के बाद गाड़ी के अंदर अर्थिंग भी लगा दिया गया है, क्योंकि 2-3 जगह फटा है तो उसको वेल्डिंग करना है। सब भाई तैयारी यहाँ पे चालू हो चुका है भाई, गाड़ी का काम तो अपना स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से यही चीज रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ज्यादातर कमेंट करके हमें आशीर्वाद दीजिए, और बहुत सारा चीज है जो चीज आप लोग पूछना चाहते हैं वो पूछिए, लाइक करिए, शेयर दबा के करिए, और कमेंट आप लोग ऐसा करिएगा ताकि आप लोगों को कमेंट का हम रिप्लाई भी दे पाए। अब हर वीडियो में आप लोगों का कमेंट का हम रिप्लाई दिया करेंगे, और आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को आपका कमेंट दिख जाएगा। तो भाई इधर काम स्टार्ट हो चुका है, ये जो सड़ा हुआ देख रहा है इसको अच्छे से जंग को छुड़ाया जा रहा है ताकि इसमें वेल्डिंग पकड़ पाए। तो देख सकते हैं भाई पूरा हॉल हो चुका था। जहां पे थोड़ा लग रहा है वहीं पे पूरा छेदा हो जा रहा है, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से गल गया यार। ये देखो इधर भी छेदा हो गया। अब एकाएक लगाना ही पड़ेगा तो पूरा वहां से लेके यहां तक पूरा छेदा हो चुका है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि चूहा का बिल बन गया है। अभी इसको साफ किया जा रहा है रगड़ रगड़ के मशीन से। एक चीज और दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे ना इंजन का भी काम होता है बगल में। तो यहाँ पे देखो सब भाई लोग इंजन रेडी कर दिए भाई, का चीज का इंजन, ट्रक का आएगा, 12 चक्का का है। तो भाई 12 चक्का के मतलब ट्रक जो होता है उसका इंजन आप लोग देख लो भाई, बाहर से नहीं समझ में आता है लेकिन अभी उतरने के बाद ये रिपेयर हुआ है, खराब हो गया था तो ये जा रहा है भाई। और भाई लोग अभी बना के लेके जा रहा, अभी चढ़ाएंगे क्या भाई? अच्छा ये गाड़ी है, ये जग है ना, इसी चढ़ेगा ना ऊपर। अच्छा अच्छा तो ये देख लो भाई, जिसको नहीं पता था 12 चक्का का जो ट्रक का इंजन होता है वो भाई इस प्रकार से होता है, इतना हैवी इंजन होता है। अच्छा मिस्त्री ये लोग का, चलिए भैया लोग अभी मेहनत से लेके आ रहे हैं, अब इसको लगाएंगे। पूरा बोर हो चुका है, इसका काम हो चुका है कंप्लीट। जहाँ पे सड़ा हुआ है वहाँ पे ये पत्ती लगाना है, ठीक है, ये हैवी है तो इसको लगाना है वहाँ पे। तो भाई अभी पूरा माप ले रहा है वहाँ पे कि किस तरीके से कैसे बैठाना है ताकि वहाँ पे पानी भी ना लगे और जो सड़ गया है वैसे फिर से ना सड़ जाए।
भाई जिस हिसाब से गाड़ी सड़ा था ना उस हिसाब से अगर हम ध्यान नहीं दिए तो धीरे धीरे और ज़्यादा ही खराब हो गया हुआ था। तो ये 2 mm का चदरा लगाया जा रहा है, वो भी टाटा कंपनी का मटेरियल लगाया जा रहा है भाई। ये देखो अब इसको शेप में लेके आ चुके हैं भाई साहब, मतलब मेहनत करने के बाद, ऐसे नहीं, बहुत हार्ड है ये। यहाँ पे काम चल रहा है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है कि ये जो काम चल रहा है वहाँ पे लगेगा कैसे। लेकिन इन लोगों को पता है, ये लोग माप ले लिया, अभी कटिंग चल रहा है, कटिंग करने के बाद इसको शेप में डाला जा रहा है। और जब लगेगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर ये बना रहा है तो वहाँ पे क्या काम है, कैसे लगेगा, क्योंकि हमको भी अभी नहीं पता है कैसे लगेगा। काम चालू हो चुका है, बहुत धूल उड़ रहा है, इसलिए मैंने गमछा बांध लिया। और ये देखो जिस चीज का कटिंग चल रहा था उसको अभी यहाँ पे बैठाया जा रहा है। अब हमें समझ में आ गया है कि क्या चीज का कटिंग चल रहा था। अब होगा वेल्डिंग का काम, ठीक है, पूरा जो बनाया गया था अच्छा से घुसा दिया गया है, अब वेल्डिंग का काम बचा हुआ है। ये देखिए और देख सकते हैं कितना बारीकी से यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है। फिर वेल्डिंग करने के बाद टोक टोक के ताकि अंदर पानी ना घुसे तो पूरा इसको अच्छे से मिलाया जा रहा है। ये देखिए, और ये इतना फाका इधर है, ये पूरा एकदम जॉइंट हो जाएगा। तो धीरे धीरे अपने शेप में आना चालू हो चुका है। और ये देखिए तो इसी तरीके से पूरा वहाँ तक जाएगा, इसके अंदर पानी तो निकलेगा लेकिन अंदर अब गंदगी नहीं जा पाएगा। और एक इधर वाले भाई कैसे हो भाई, बढ़िया, चलिए गाड़ी बन रही है। हाँ गाड़ी बन रही है। चलो भाई ठीक है, क्या नाम हुआ? साहिल अंसारी भाई का नाम है। तो हमारे दो भाई यहाँ पे आए मिलने के लिए और इनका गाड़ी का साथ हादसा हो गया है, नया गाड़ी था। तो कहना ही चाहेंगे कि अगर नया गाड़ी आप लोग लेते हैं तो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप चला रहे तो आप ही से गलती हो, दूसरे का गलती से भी हादसा होता है कभी कभी, क्या भाई? तो भाई लोग अभी गाड़ी कंपनी में बनवा रहे हैं, क्योंकि पता ही है मतलब कंपनी ने बाहर बनवा रहे हैं ना, कंपनी में थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे तो कंपनी का नियम है कि 45 दिन की 50 दिन के अंदर में आपको गाड़ी हैंड ओवर करेगा, ये नियम होता है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने का एक रीज़न होता है कि वहाँ पर बहुत सारा गाड़ियाँ रहता है, वो लोग उतना जल्दी काम नहीं कर पाते हैं। तो कहाँ बनवा रहे अभी गाड़ी? आसनसोल में। क्या खर्चा आ रहा भैया? दो अढ़ाई लगा जाएगा, 2.5 लाख रुपया गाड़ी में खर्चा भी आने वाला है, प्लस में टाइम भी लगने वाला है। तो कुछ बोलना चाहेंगे नया गाड़ी जो ले रहा है अभी, क्या बोलेंगे? नया गाड़ी ले रहे भैया, संभाल क्या, सेफ्टी से चलाइए, थोड़ा सा मिस्टेक करने से बहुत सेफ लाइफ, इसके सिवा कुछ नहीं। सही बात है। तो अभी अंदर का काम जो था वो खत्म होने के बाद में अभी ऊपर का जो डाला अपना फटा हुआ था आप लोगों को दिखा रहे थे, वेल्डिंग हो रहा है इसलिए उधर ताक नहीं पा रहा अच्छे से। ये देखिए, और भाई इसी की वजह से बॉडी फैलता भी है, मतलब हम सब्जी लोडिंग कर रहे थे ना तो बॉडी फैल जा रहा था। किसको बता रहा हूँ भाई, वीडियो बना रहे हैं? बाबा जी। अच्छा बाबा जी, कौन बाबा जी? निखिल बाबा जी क्या? महादेव बोल रहे हमारे तरफ से। और यहाँ पे पत्ती का भी काम चालू हो चुका है, ये जो बगल वाला गाड़ी बन रहा है ना उसी के लिए पत्ती यहाँ पे ठोकाई हो रहा है, मतलब सेट किया जा रहा है। उस तरफ का जो फटा हुआ था ऊपर का, तो वो वेल्डिंग हो चुका है, अब ये वाला रॉड को वेल्डिंग किया जा रहा है। और मौसम भी धीरे धीरे देख रहे हैं भाई खराब हो रहा है, बारिश ना हो जाए यार। जाके अंदर वाला काम हो चुका है कंप्लीट, ऊपर का भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं अंदर का नया पत्ती उसमें लगा दिया गया है, अब साइड में वेल्डिंग किया जाएगा।
तो भाई मेरा बत्ता भी चेंज होगा, तो इसलिए बत्ता कब उतार लिया गया, तो क्या कर रहे बताइए फैज भाई, चेंज करवाए कि इसी को कुछ बना देंगे, जैसा आप बोलिए चेंज कर दे रहे करेंगे, क्योंकि हम इसलिए चेंज करवाना चाहते हैं कि बहुत जगह सही है, कट भी वेल्डिंग भी करवाया मैंने और यहाँ पे भी ये सब वेल्डिंग है, एक बार कट के इसको बना भी दिए चाचा जी, तो अब हम सोच रहे हैं इसको नया ही बनवा लेते हैं क्या, तो हल्का में कोई बना दीजिएगा। ठीक ठीक, वेल्डिंग का काम कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोगों का अंदर का सीट का काम चालू हो चुका है। सीट में हम लोग ये जो दो ठो आप एंगल देख रहे हैं, ये दोनों एंगल को कटवाना है, इसके अंदर सामान थोड़ा अच्छे से कंफर्टेबल आ नहीं पाता है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे निकला हुआ, इसको भी पूरा प्लेन करवा दें कटवा के, ताकि हम लोग का जो अंदर गैस चूल्हा बर्तन है वो आराम से आ सके और हम लोग नीचे से ही निकाल लें और अंदर भी डाल सके, बार बार सीट हम लोग को ना उठाना पड़े, तो इसके वजह से इसको हम लोग अभी खुलवा रहे हैं, कटवा के बनवाने जा रहे हैं। तो फाइनली अपना सीट बाहर निकल चुका है, फैज भाई लेके जा रहे हैं उसको सही करने के लिए अभी, और यहाँ पे भी कटिंग किया जा रहा है ताकि सामने का एंगल को सीधा किया जा सके। तो अभी खाना खाने का टाइम सबका हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं टोटो पकड़ के यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए, क्योंकि इस लाइन में कहीं पे हमको ढाबा दिख नहीं रहा है, तो हम लोग आज बिरयानी खाने का मन किया, तो जाएंगे भाई चिकन बिरयानी, जब तक है तब तक खा ले, बनारस जाने के बाद ये वाला टेस्ट तो नहीं मिल पाता है, तो चलिए टोटो पकड़ा जाए चला जाए खाने के लिए। भाई टोटो पकड़ चुके हैं, तार बंगला जा रहे हैं हम लोग बिरयानी खाने के लिए, टोटो वाले अंकल मिल गए, और उधर सामने फैज भाई भी जा रहे हैं अपने बाइक से घर पे खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम है, खाना खा के आएंगे, आधा काम अपना कंप्लीट हो चुका है, अभी आधा काम में और क्या क्या होगा वो होगा पेंटिंग, वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो कॉमेंट करिए आप लोग कैसा काम चल रहा है, कॉमेंट करके बताइए। सबका ना काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो हमारा काम करने का तरीका है कि कुछ भी गाड़ी में फॉल्ट हो उसको हम पहले से सोच के रखे हैं कि ये बनवाना है हमको, और चाहते हैं तो कुछ नया चीज़ें भी लगवा लेते हैं, तो गाड़ी में बहुत सारा नया चीज़ें भी लगवा रहे हैं, वो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, और आज के ही ब्लॉग में देखने को मिलेगा, कल के ब्लॉग में तो पेंटिंग देखने को मिलेगा, तो कुछ ना कुछ हमेशा नया चीज़ें ट्राई करना चाहिए। भाई बनारस के गली में तो घूमे थे, आज रानीगंज के गली में घूम रहे हैं, तो ये भाई रानीगंज का गली, टोटो वाले भैया हमको लेके जा रहे हैं घुमा घुमा के, हमें तो भाई पता ही नहीं कौन सा रोड है क्या है। तो भाई बिरयानी लगना अपना स्टार्ट हो चुका है, भाई बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में, कैसा भाई? बढ़िया। तो बिरयानी खाने के बाद फिर आ चुके हैं हम लोग शेक पीने के लिए, पोषण तो शेक पीता नहीं है, तो हमारे लिए लगा दिया भैया शेक, ये क्या शेक है भैया बताइए? ये बादाम वाला काजू वाला। और भाई लोग हैं राजस्थान साइड से, अब पी के टेस्ट करते हैं बताते हैं कैसा है। ये भी। भाई एक नंबर बना है, पी के बहुत मज़ा आ रहा है भाई, 50 रुपये गिलास में शेक। तो हम लोग बाइक में बैठ चुके हैं, फिर से जा रहे हैं अपने गैरेज पे, जो काम बचा था उसको करवाते हैं फटाफट करके। भाई यार मौसम भी गड़बड़ हो रहा है धीरे धीरे। तो गैरेज पे आ चुके हैं, गैरेज पे आते ही देखा भाई काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जितने बंदे यहाँ पे काम करते हैं सब कोई गए थे खाना खाने के लिए, सभी कोई आ चुके हैं खाना वाना खा के, तो अभी भाई सीट का काम स्टार्ट होने जा रहा है, अभी दिखाते हैं आपको, अभी सीट का काम स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर सीट कम्प्लीट होगा, तो यहाँ पर एक अलग डिज़ाइन हम बनवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन बनाना काफ़ी शानदार लगेगा, और सीट के लिए नया पत्ती भी यहाँ पर लग चुका है, ये जो पत्ती था ये दूसरा पत्ती लगाया गया अलग से, ताकि कम्फर्टेबली हम लोग का सामान अंदर घुस सके। तो अंदर का वेल्डिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है,
ये भाई हमारे गाड़ी के अंदर वेल्डिंग किया जा रहा है, मतलब आप लोग ये मत समझना कि गाड़ी में वेल्डिंग किया जा रहा है, ये डायरेक्ट जो पत्ती लगा है अलग से उस पत्ती के ऊपर वेल्डिंग किया जा रहा है। ये देखिए, और ये अपना ऊपर का आ चुका है, इसी के ऊपर सीट को रखना है। इसका भी पीछे बम्पर तैयार हो चुका है, एकदम सेम बम्पर हमारे जैसा बना है, जिसे मेरे गाड़ी बम्पर वैसा एकदम सेम बम्पर इसमें बना है। ये देखो लगाया जा रहा है कमानी पट्टा यहाँ पे, उधर से एक चाचा पकड़े हुए हैं, इधर से ढकेल रहे हैं, तो अपना सेट कर रहे हैं बढ़िया से। मतलब काम करने का स्पीड देखो, कोई उधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई नीचे कमानी लगा रहा है, मतलब एक गाड़ी बनाने में तीन चार लोग लगे ही रहते हैं, तभी भाई जल्दी जल्दी यहाँ से गाड़ी निकल पाता है। अच्छा रात होते ही, थोड़ा थोड़ा शाम हुआ है अभी, तो शाम होते ही जैसा लग रहा है कि जो हम लोग बचपन में पोड़ते थे, क्या बोलते उसको यार, अरे छुरछुरी छुरछुरी जो हम लोग बचपन में पोड़ते थे, तो ये वेल्डिंग वाला जो निकल रहा है एकदम सेम वैसा ही छुरछुरी वाला हिसाब किताब लग रहा है यहाँ पे। तो अंदर का सीट का काम कंप्लीट हो चुका है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था सामान रखने में, अब बहुत बढ़िया बन गया, दिखा दो भाई, पूरा स्पेस मिल गया अंदर, अब बहुत बढ़िया हो गया। तो पहले अंदर का थोड़ा सफाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा है। अपना बत्ता भी बनके रेडी हो चुका है आज ही के दिन में, तो बत्ता बनके रेडी हो चुका है, ऊपर माप लिया जा रहा है किस तरीके से लगाना है क्या लगाना है, क्योंकि पूरा हिसाब किताब से काम करना पड़ेगा भाई, पता चला नहीं किया तो नहीं लगेगा फिर, तो इसीलिए इंची टेप से मापा जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बत्ता तैयार हो रहा है, बत्ता भी पूरा बन के है रेडी, तो इसमें पाइप लगाना है जो मतलब अंदर घुसता है फंसता है, तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे मापा जा रहा है। यहाँ पे बत्ता भी आ चुका है भाई बन के, अभी अंदर घुसा के चेक किया जा रहा है सही से घुस रहा है कि नहीं, एकदम एक नंबर हो गया भाई। अब देखने में बहुत ही सेक्सी लग रहा है अपना बत्ता नया वाला, ये देखो भाई। वेल्डिंग का काम पूरा कंप्लीट होने के बाद में अभी भाई बैटरी का तार सुबह खुला था तो इसको लगा दिया जाता है, क्योंकि अभी नहीं लगाएगा तो भाई कैमरा में चार्ज भी नहीं है और ना ही मेरे फ़ोन में चार्ज है, ये सब फ़ोन वोन चार्ज कर लेंगे, थोड़ा गाना वाना सुनेंगे भाई, ठंडा मौसम हो चुका है, दिन भर तो धूप भी था थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा मौसम बिगड़ा, देखें कि बारिश होने वाला है लेकिन बारिश हुआ नहीं, अभी शाम के टाइम में एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा सा जाके दिमाग ठंडा भी हुआ मेरा, तो चलिए बस ये लग गया भाई। क्या हो रहा बताओ, सीट थोड़ा डाउन हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस पे भी रखता था तो बैठ जाता, देखो इसके ऊपर वो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ये हो गया, अब देख लेते हैं लॉक है भाई उसका, हम दे रहे हैं एक मिनट। तो ये भी मैंने बनवा लिया है, ये अपना नीचे का जो पकड़ो बसन बता रहे हैं, ये नीचे में ना यहाँ पे पेचकस से कसा हुआ करता था टाइटर से, तो ये अपना कहीं निकल चुका था इसीलिए मैंने डायस को वेल्डिंग ही करा लिया, एकदम परफेक्ट हो गया नहीं भाई, अब अपना काम हो जाएगा। गैस सिलेंडर देखो पोर्शन वहाँ पे रखे हो ना, उसको बीच में कर दो भाई, बीच में कर दोगे सही रहेगा, उसके बगल में बर्तन रख देना, ठीक है, और कुछ है खाली बाल्टी है। तो भाई अभी हम लोगों का आज का जो वेल्डिंग का पूरा काम था वो ए टू जेड खत्म हो चुका है, अब कल से पेंटिंग का काम में हाथ लगेगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि ये गैरेज में देखो सोने का जगह नहीं है, हो चुका है शाम का 6:30, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं पुराने वाले गैरेज पे, वो वाले गैरेज पे काम होना था, लाइट के वजह से इस गैरेज में काम करना पड़ा, तो आप लोगों ने देखा दिन भर हमने क्या काम करवाया। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर उस वाले गैरेज पे चलते हैं, वही खाना पीना खा के रात को वहीं रेस्ट करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ जाओ जाओ। हम लोग अभी गोदाम के अंदर से निकल चुके हैं बाहर। तो भाई अभी हम लाइव आए हुए थे अपने फेसबुक पेज पे, क्योंकि उसमें हमारे फॉलोवर हो गए 4.5 लाख, ठीक है, मतलब होने वाले हैं, हो जाएंगे, तो आप लोग का प्यार है इसलिए लाइव आए हुए हम फेसबुक पे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं, 400 के लमसम लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी कमेंट में हमें बधाई दे दीजिएगा कि
हमारे 4.5 लाख सब फॉलोवर कंप्लीट होने वाले हैं। हम लोग आए हैं चना खाने के लिए, रानीगंज में एक चना बेचते हैं चाचा जी हैं भाई, बहुत बेहतरीन लगता है। कल भी पोषण लेके आया था हमारे लिए और आज भी लेके आया भाई, चलो खिलाते हैं। और यहाँ पे देखिए करी रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा आलू प्याज मिर्चा धनिया काट के रखा है। और ये देखिए, ये दिखाओ पोषण मेन भाई, जलवा यहाँ पे इनका है। अच्छा इसमें कुछ और डाले देते हैं, नमक वमक कुछ नहीं, सब ये सादा चना है, यहाँ बना के देते हैं आप। तो आज हम लोगों का अभी खाना खाने का कोई प्लानिंग नहीं है। पोषण तुम खाना खाओगे? नहीं खाओगे तो पोषण भी खाना खाने के मना कर रहा है। तो कमेंट पढ़ लेते हैं आप लोगों का, और हर वीडियो में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने को इसके लिए। और कुछ भी देखो हमसे और पोषण से रिलेटेड कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई दिया करेंगे। तो अब पढ़ते हैं कमेंट। तो एक कमेंट सबसे पहला आया सुमित कुमार भैया का। सुमित कुमार भैया बोल रहे हैं, भैया आपका व्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो सुमित कुमार भाई बहुत बहुत दिल से सलूट है, और आप लोगों को भी सलूट है कि आप लोगों को सबको पसंद आता है मेरा वीडियो। ये देख सकते हैं सुमित कुमार भाई का कमेंट यहाँ पे। अब आ जाते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। तो जॉनेक्का भाई का जीमेल आईडी का नाम है जॉनेक्का। तो भाई लिखे हैं, भाई बहुत लंबा वीडियो बना रहे हो, 12 से 15 मिनट का बनाइए। तो भाई देखिए, हम हर आदमी का दिल नहीं जीत सकते हैं। किसी भाई को बहुत लंबा वीडियो देखना पसंद है, आपको 12 से 15 मिनट का देखना पसंद है, तो आप 12-15 मिनट वीडियो देख के हट जाइएगा, ठीक है। और बाकी चुका जो वीडियो है वो हमारे और भाई देख लेंगे। और यहाँ पे कुंदन गुप्ता भाई लिखे हुए हैं, वीडियो में जितना बोलता है पोषण उतना ओरिजिनल में नहीं बोलता है। तो भाई ये आप लोगों ने सही बोला है, ये जो वीडियो में बोलता है ना, इससे हम खुद बोलते हैं कि यार बोला करो कम से कम। ओरिजिनल में इससे कई गुना ज़्यादा बोलता है भाई, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है कमेंट, ये कुछ कुछ सही है और कुछ कुछ सही नहीं भी है। ये ओरिजिनल में कुछ ज़्यादा ही बोलता है और वीडियो में बहुत कम बोलता है। तो आप लोग कमेंट करिए कि पोषण भाई वीडियो में कुछ बोला करो यार। बाकी इतना सारा कमेंट आप लोगों का है यहाँ पे, बहुत कमेंट है, ठीक है। तो चलिए इस कमेंट को यहीं तक रखते हैं, बाकी कल के वीडियो में कमेंट पढ़ना है, बाकी ज़्यादातर कमेंट करिए। दोस्तों अभी रात का 9 बज चुके हैं और हम लोग अभी सोने का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग कहाँ सोते हैं, कैसे सोते हैं, वो आप लोग को दिखाएंगे। तो दिखा नहीं पाए, हम लोग सो गए थे, बहुत नींद आ रहा था, और कैमरा गाड़ी में रख के आ गए थे। अभी तो कैमरा लेके आ चुके, अपने पास में रख देंगे जहाँ सोएंगे। तो हम लोग सो रहे हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लग रहा भाई हम लोग का मच्छरदानी नीचे लग चुका है भाई बिस्तर। देखिए हम लड़के हैं, हम लोगों को हर एक परिस्थिति में ढलना सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि यार नहीं है, मैनेज नहीं कर रहे, मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप मैनेज करना नहीं सीखेंगे ना तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हमें गाड़ी में भी सोना पड़ता है, हाँ हमें गाड़ी के डाला में भी सोना पड़ता है, वक्त आने पर होटल पर भी सोते हैं, वक्त आने पर गैरेज में भी सोना पड़ रहा है। तो ऐसा ये मत समझिए, ये आपका काम है, वर्क है, उसी हिसाब से आपको लाइफ को जीना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे बहुत हम वो है, बहुत आपका एटीट्यूड है, बहुत कुछ आप सोचने लगेंगे कि हम यहाँ कैसे सोएंगे, मच्छर काटेगा, हम 2 दिन से नहीं सो पा रहे, मच्छर काट रहा है बहुत ज़्यादा, तो आज हम मोजा भी पहन के सोएंगे ताकि मच्छर हमको ना काटे, क्या करेंगे? सिचुएशन के हिसाब से अगर हम नहीं ढलेंगे तो फिर हमको आने वाले दिनों में कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ पे अपना बिस्तर लग चुका है, मच्छरदानी भी खरीद लिया, तो मच्छरदानी लग जाएगा तो थोड़ा सा कम मच्छर लगेगा, सोना तो यहीं आराम से। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे बिछाने के लिए, ये चाचा जी ने मतलब फैज भाई का पापा जी ने पूरा लेके आया हमारे लिए नीचे बिछा के सोने के लिए। और कोई दिक्कत नहीं होता है गैरेज में, इसके पहले जब यहाँ पे काम करवा रहे थे तो हम 15 दिन थे, 15 दिन भाई यहीं पे सो रहे थे। तो सिचुएशन के साथ ढालना सीखना पड़ेगा भाई, नहीं ढालेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, क्या पोषण? हम लोग तो गाड़ी के डाला में भी सो जाते हैं, गाड़ी केबिन में भी सो जाते हैं, बस रात गुजारना है, फिर सुबह अपने वर्क में लग जाना है। और एकदम बहुत बढ़िया बिस्तर हम लोग का लग गया, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा वैसा, बहुत बढ़िया बिस्तर हम लोग का तैयार हो चुका है, बिस्तर तैयार करने वाला पोषण है। हो चुका है सुबह, रात को भाई बहुत ज्यादा बारिश हुआ है यहाँ पे, मतलब इतना भयंकर वाला बारिश हुआ है ना, मतलब रात को तो मूड मेरा ऐसे डिस्टर्ब था, डिस्टर्ब इसलिए हो गया था क्योंकि बारिश हो रहा था, अब अपना पेंटिंग काम चालू नहीं हो पाता सुबह। लेकिन अभी सुबह हुआ, फ्रेश होके आए तो देखे भाई एकदम मस्त वाला, आज धूप भी निकल चुका है, मौसम एकदम साफ है। तो आज हो गया गाड़ी का पेंटिंग, वो वाला व्लॉग जो है ना पेंटिंग वाला, वो आपको कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पेंटिंग करवा रहे हैं। और ये भी हमने अलग से यहाँ पे लगवा लिया है, इसमें लगेगा बॉल,
ये वाला स्टील वाला बॉल लगेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा देखने में। और एक लोगों का कमेंट आ रहा था भाई का कि यार सीढ़ी पे तिरंगा कलर है, तिरंगा कलर पे पैर रख के चढ़ते हो। भाई मुझे भी पता है कहाँ पैर रखना है कहाँ नहीं रखना है, तो तिरंगा कलर हमने बनवाया ही नहीं इसीलिए। तो ये जो कलर है भाई ये 7-8 महीना हो गया है, कहाँ से आप लोगों को ये तिरंगा कलर दिख रहा है भाई बताओ मेरे को। ये देखो, देख रहे हो, तो इसको आप लोग तिरंगा कलर बोलते हो? आप लोग नहीं, कुछ एक दो भाई बोल रहे थे, ऐसा नहीं दोस्त। होसेन वहाँ पे गया बाटी चोखा खाने के लिए और हम पियेंगे सत्तू, बाटी चोखा भी खाएंगे। तो गाड़ी को करते हैं लॉक और चलते हैं दुकान पे। तो यहाँ पे अपना सत्तू भी लग चुका है, सत्तू पी रहे मस्त। गुड मॉर्निंग आप सबको, सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है, बाटी चोखा एकदम सादा सादा। और यहाँ पे सुबह सुबह चाचा बना भी रहे एकदम ताजा ताजा। और अभी सुबह का 8:30 बज रहे हैं। तो अपना भाई यहाँ पे लिट्टी चोखा लग चुका है। और ये चाचा ये कैसा कौन सा चटनी है? ये सरसों का, ये सरसों का चटनी है। राइट राइट, मतलब खाली सरसों का पीस को बनाते हैं नमक में डाल के। अच्छा दीजिए। तो अपना भी ये लग चुका है यहाँ पे भाई, सरसों का चटनी तो उसके पहले कभी खाए रहे थे, अब सरसों वाला चटनी खा के चेक करते हैं किसका। काफी टेस्टी है भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी को लेके पेंटिंग के तरफ, जहाँ पेंटिंग करना है। और एक भाई देखो यहाँ पे कैसे बाइक चला रहा है, ये एक्चुअली चला किस लिए रहा है बताओ मुझे। क्या भाई? अच्छा पंचर हो गया इसीलिए ऐसे चला रहे हैं। चलो ठीक है। सुबह सुबह पहुँच गए फिर से गैरेज पे और अपने गाड़ी का पेंटिंग का काम जो था वो भी स्टार्ट हो ही चुका है। तो पेंटिंग का पूरा काम नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन अभी देखो काम स्टार्ट तो हो चुका है। यहाँ पे ये सब पूरा साफ सफाई करना है, इसको पूरा फिर से रीपेंट करना है, हल्का हल्का सा डिजाइन देना है फिर से। और इस गाड़ी का भी पेंटिंग आज ही होना है, तो आप लोगों को दोनों गाड़ी का पेंटिंग हम दिखाएंगे सेकंड वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखो पटरा रखने के लिए, पटरा क्या होता है, पीछे का जो पटरा लगाया जाता है यहाँ पे, इसके ऊपर पटरा लगाने के लिए मतलब गाड़ी का ओनर का डिमांड था कि पटरा रखने के लिए अलग से हमको जगह बनाना है। तो यहाँ पे पटरा वाला बॉक्स बनाया जा रहा है दोनों साइड से वेल्डिंग करके। और इस गाड़ी का भी कमाने का काम आगे का बाकी है, पीछे का तो कल आप लोगों ने देखा कि हो चुका था रेडी। और यहाँ पे भी आगे कमाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्त पत्ती को लगाया जा रहा है, इसको क्या फूल बोलते हैं। तो ये नया नया डिजाइन का फूल है। एंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वाले ब्लॉग का जरूर वेट करिएगा। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को मेरे गाड़ी का जो पूरा पेंटिंग एंडिंग का काम जो बाकी था वो पूरा कंप्लीट आप लोगों को मिलने वाला है। तो कौन कौन कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहा है अभी तक, अगर कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अलग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। प्यार बाबा सपोर्ट ऐसे ही बना रखिए क्योंकि आपका मेहनत करोगे और आप लोगों ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग अपने चैनल पे अपलोड करता रहेगा। ऑल ओवर इंडिया का टूर अपना चलने वाला है भाई, आप लोगों को तो पता ही, आपका बीडीएम भाई बस आप लोगों का प्यार के लिए मरता है यार। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे, आपका बीडीएम भाई पूरा घुमाता रहेगा आप लोगों को अच्छा अच्छा जगह, लोकल लोग, लोकल खाना, मतलब हर एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे अपने चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद गाइस।